हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। तो आज आपके लिए मैं एक इतनी खास प्रॉपर्टी लेके आया हूं और बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन पे है गुड़गांव की, जो कि है मालिबू टाउन। ये गेटेड सोसाइटी है और उसके अलावा आपको सिक्योरिटी के बारे में 1% भी यहाँ पर नहीं सोचना पड़ेगा। ये हमारी 367 गज की प्रॉपर्टी है, 4 BHK है प्लस सर्वेंट रूम है। और इसके अलावा आपको टेरेस पे, जो मैं ना एंड में दिखाऊंगा वीडियो के, इतनी गजब टेरेस है इसकी। आपको एंड तक अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको एंड में बहुत दिखाता हूँ। ये फ्रंट प्रोफाइल है और चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। गेट भी काफी अच्छा लगा हुआ है, देखिए। ये अभी इस पे फिनिशिंग नहीं आई है, फिनिशिंग आ जाएगी। अभी काम चल ही रहा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे अंदर अभी सारा सामान फैला हुआ है। ये कॉर्नर में रुकिए, देखते हैं यहाँ पे क्या है। अच्छा, खाली स्पेस है यहाँ पे। और ये जो है हमारी, यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग की जगह मिल जाती है। हर फ्लोर के साथ 2 गाड़ी की पार्किंग आपको मिलेगी। काफ़ी बड़ी पार्किंग है, मतलब फाइनल जब हो जाएगा ये, काफ़ी अच्छी लुक आएगी यहाँ पे। तो चलिए आपको लिफ्ट एरिया दिखा देता हूँ मैं। ये हमारी लिफ्ट आ जाती है यहाँ पे, और ये यहाँ पे शिंडलर की लिफ्ट लगी हुई है। तो आपको अब मैं सैंपल, जो हमारा बिल्डर फ्लोर का फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है सैंपल फ्लैट, वो दिखा देता हूँ। ये आ जाती है हमारी मेन एंट्रेंस। तो एंटर करते ही पहली चीज जो मैं हर बार दिखाता हूँ आपको, गेट दिखा देता हूँ। ये देखिए, काफी सुंदर लॉक लगा हुआ है, ब्लूम्स का लॉक है। तो एंटर करते ही हमारी, यहाँ पे देख सकते हैं स्टोरेज स्पेस दे रखी है यहाँ पे। यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है, पैनासोनिक का सिस्टम है ये। नीचे से वीडियो कॉल के लिए, जो भी आपका गेट पे आते हैं तो इस पे कॉल कर सकते हैं। रियली अमेजिंग बिल्डर फ्लो। तो चलिए ये आपको मैं ड्राइंग रूम से शुरुआत करता हूँ। ये देखिए कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है यहाँ पे, जो इन्होंने वॉल पे आर्ट करवा रखी है। ये देखिए ऊपर की तरफ, देखिए फॉल सीलिंग भी काफी अच्छी बना रखी है ऊपर। ये देखिए, ये पार्टीशन भी इतना अच्छी लुक दे रहा है ना यहाँ पे। ये देखिए, सबसे अच्छी चीज मुझे यही लग रही है यहाँ पे, ये जो इन्हें वॉल आर्ट करवा रखी है। तो चलिए आपको बालकनी दिखा देता हूँ अब एक बार। तो ये जो है हमारी सामने बालकनी आ जाती है, काफी बड़ी बालकनी है। सामने टैप दे रखी है, देखिए ये हमारे एक बेडरूम से कनेक्टेड है ये वाली बालकनी। ऊपर ये लाइटिंग देखिए सीलिंग में, काफी अच्छी लग रही है ये लाइटिंग। ये हमारा सेकंड बेडरूम से कनेक्टेड है बालकनी, वो सामने कॉर्नर पे आप देख सकते हैं, वहां पे गार्डन है। तो अंदर की तरफ चलते हैं।
देखिए इसमें मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, पार्टीशन में ये लाइट देखिए एक बार, काफी अच्छी लुक दे रहा है इसको। तो चलिए अब आपको मैं ये यहाँ पे पाउडर रूम दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरे घर में जितनी भी है हमें जैगुआर की फिटिंग मिलेगी। ये अभी इसमें फिनिशिंग का काम रह रहा है। तो चलिए अब किचन की तरफ चलते हैं। ये सामने जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी डाइनिंग टेबल आ सकती है। तो ये हमारी किचन है इस साइड पे। बहुत ही ज़्यादा बड़ी किचन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लायंसेस लगे हुए हैं, माइक्रोवेव लगा हुआ है, नीचे ओवन भी लगा हुआ है। और ये नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे बास्केट दी हुई हैं, फ्रूट बास्केट या फिर वेजिटेबल बास्केट, आप जैसे यूज़ करना चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। एलिका का लगा हुआ है यहाँ पे, अप्लायंसेस जितनी भी है। ये ऊपर भी स्टोरेज स्पेस दी हुई है। यहाँ पे एसी की फिटिंग दे रखी है, बिल्कुल भी आपको किचन में गर्मी का कोई मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ पे भी ये स्टोरेज स्पेस है, एलिका की चिमनी, एलिका का हॉब। ये देखिए ग्रेनाइट कितना अच्छा यूज कर रखा है यहाँ पे इनने स्लैब का। ये स्टोरेज स्पेसेस हैं जितनी भी। ये सबसे अच्छी चीज़ है, बहुत ही कम बिल्डर फ्लोर्स में मिलती है ये चीज़। पूरी किचन में जो है हेटिज की फिटिंग मिलेगी आपको। ये यहाँ पे डबल बोल वाला सिंक आ जाता है, ये जैगुआर की फिटिंग है। यहाँ पे भी ये देखिए, ये नीचे स्पेस दे रखी है डस्टबिन वगैरह के लिए। ये हमारी स्टोरेज स्पेस है मसाले वगैरह रखने के लिए या फिर जैसे भी आप यूज़ करना चाहें। यहाँ पे ये आपका गीज़र के लिए पॉइंट दे रखा है, किचन गीज़र के लिए। तो आपको मैं ये जो बालकनी है पीछे की, इसकी पीछे की बालकनी दिखा देता हूँ अब, एक सेकेंड। ये हमारी रियर बालकनी आ जाती है यहाँ पे। यहाँ पे टैप दे रखी है वॉशिंग मशीन के लिए, स्विच दे रखा है, और यहाँ पे ये आपका सिलेंडर का पॉइंट आ जाता है। वो सामने वहाँ पे आउटर लगा हुआ है एसी का, ये कॉब लाइट्स लगी हुई हैं ऊपर। और ये ग्रीनरी देखिए एक बार रियर बालकनी के साथ, बहुत ग्रीनरी है। ये ऊपर देखिए रियली ब्यूटीफुल सीलिंग। एक और चीज दिखाता हूँ आपको मैं, ये यहाँ पे ये देखिए आप, यहाँ पे भी आपको वेंटिलेशन के लिए एक तरह से या फिर कोई स्टोरेज के लिए जगह दे रखी है। तो चलिए अब आपको मैं पहले बेडरूम की तरफ लेके चलता हूँ। ये हमारा मास्टर बेडरूम है और ये नीचे आपको एक सेकंड मैं दिखाता हूँ, ये इटालियन मार्बल है। सेम लॉक लगा हुआ है जो हमारा मेन गेट पे था और जितनी भी वुड यूज हुई है सारी टीक वुड है। ये टीवी का पैनल है यहाँ पे और ऊपर आप सीलिंग देख सकते हैं, एकदम यूनिक सीलिंग्स हैं यहाँ पे। ये वही बालकनी है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी किचन के थ्रू। तो चलिए आपको अब मैं वॉशरूम की तरफ लेके चलता हूँ। ये हमारी वॉशरूम की एंट्रेंस है, ये यहाँ पे वार्डरोब है।
देखिए इसमें यहाँ पे ड्रॉर आ जाता है, काफी बड़ी वार्डरोब है। ये बेसिकली हमारा ड्रेसिंग एरिया है और बहुत ज़्यादा स्पेस दे रखी है यहाँ पे भी। ये हमारा वॉशरूम है, ये एंटर करते ही लेफ्ट में जो है ग्लास का पार्टीशन मिल जाता है आपको इसमें शावर के लिए। और ये यहाँ पे जैगुआर की फिटिंग है सारी, ये देखिए जैगुआर जैगुआर एक सेकंड ये खोल के भी आपको दिखा देता हूँ। ये शावर एरिया हो गया हमारा। ये ऊपर देखिए कितनी अच्छी फॉल सीलिंग है सारे में। तो ये हमारा सेकंड बेडरूम है, आप फॉल सीलिंग देखेंगे ना सारे घर में बहुत अच्छी फॉल सीलिंग करवा रखी है। ये नीचे सेम इटालियन मार्बल फ्लोरिंग, और ये यहाँ पे टीवी पैनल आ जाता है, और सामने एसी की फिटिंग लगवा रखी है। और ये देखिए सामने कितना अच्छा वॉल डिज़ाइन बना रखा है यहाँ पे। ये लेफ्ट में वार्डरोब है हमारी, दिखा देता हूँ आपको एक बार खोल के। ये यहाँ पे स्विच दे रखा है साइड टेबल के लिए। और एक सेकेंड, ये जो है यहाँ पे क्रॉम्पटन के गीज़र हैं जो बाथरूम में फिट होंगे। वेंटिलेशन के लिए विंडो दे रखी है यहाँ पे। तो चलिए आपको वॉशरूम भी दिखा देता हूँ एक बार। काफ़ी बड़े बड़े जो है वॉशरूम्स बने हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे सेम आपको वही जैगुआर की फिटिंग मिल जाएगी। यहाँ पे ग्लास पार्टीशन दिया हुआ है शावर के लिए। एक सेकेंड ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए डोर पे कितनी अच्छी फिनिश हो रखी है। तो चलिए आपको अब मैं थर्ड बेडरूम की तरफ लेके चलता हूँ। ये हमारा थर्ड बेडरूम है, फ्रंट बालकनी से कनेक्टेड है ये। जस्ट हैव अ लुक एट इट, इट्स रियली अमेजिंग रूम। ये टीवी पैनल दिया हुआ है यहाँ पे, ऊपर एसी की फिटिंग है। ये सामने वाली बालकनी जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, अब एक फन पार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे हमारी वार्डरोब आ जाती है, और ये देखिए ये है हमारा फन पार्ट। अगर कोई बाहर से देखता है तो ये वॉशरूम ढूंढ ही नहीं पाएगा, पर अंदर एंटर करते ही एक बार वॉशरूम देखिए आप। ऊपर सीलिंग दिखाता हूँ आपको मैं, बाथरूम में भी आपको यहाँ पे फॉल सीलिंग मिल जाती है। और यहाँ पे आपको जैगुआर की फिटिंग है, जैगुआर। ये ग्लास का पार्टीशन मिल जाता है यहाँ पे। और काफ़ी अच्छी टाइल्स यूज़ की हुई हैं वॉशरूम के अंदर जो वॉल्स पे है हमारी। तो चलिए अब आपको फ्रंट बालकनी में एक बार दिखा देता हूँ फिर से। काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे, और मैंने आपको पहले भी दिखाया था, फिर से दिखा देता हूँ। वहाँ पे वो कॉर्नर पे पार्क है यहाँ पे। तो मैंने आपको थर्ड बेडरूम भी दिखा दिया है, अब आपको मैं फोर्थ बेडरूम की तरफ लेके चलता हूँ। ये सामने हमारा फोर्थ बेडरूम है।
ये यहाँ पे आपको टीवी पैनल मिल जाता है वुडन फिनिश के साथ। ये यहाँ पे एसी की फिटिंग है और ये वार्डरोब दिखा देता हूँ एक बार खोल के मैं आपको। नीचे शू रैक है, ये फॉल सीलिंग देखिए, पूरे घर में आपको फॉल सीलिंग मैंने जितनी भी दिखाई है सारी पसंद आएंगी आपको। ये जो है मेरा फेवरेट वॉशरूम है क्योंकि इसमें मुझे डिज़ाइन थोड़ा सा अलग और एकदम यूनिक लग रहा है यहाँ पे। ये नीचे देखिए आप, यहाँ पे वुडन टेक्सचर फिनिश है टाइल्स पे और ये नीचे स्टोरेज स्पेस दी हुई है, यहाँ पे भी जैगुआर की फिटिंग है यहाँ पे। और ये देखिए सामने जो है ग्लास पार्टीशन के अंदर दिख रहा होगा आपको शावर के अंदर, और यहाँ पे सीट के ऊपर भी एकदम अलग तरह की टाइल्स यूज़ की हुई हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट स्विचेस, तो ये मैंने आपको पूरा हाउस टूर करवा दिया है। अब आपको मैं जो है टेरेस की तरफ लेके चलता हूँ। अभी जो है यहाँ पे फिनिशिंग का काम चल रहा है अभी। ये रेलिंग आप देख सकते हैं, ये भी अभी फिनिशिंग के बाद काफ़ी अच्छी लुक आ जाएगी इसमें भी। सो दिस इज आवर टेरेस। ये अभी जो है आपको समझ नहीं आ रहा होगा कैसे क्या है यहाँ पे, मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि अभी फिनिशिंग हुई नहीं है तो मुझे समझाना पड़ेगा अभी। ये यहाँ पे हमारा सीटिंग एरिया आ जाएगा, ये यहाँ पे देखिए बेंचेस लगे हुए हैं, ये यहाँ पे वॉटरफॉल टाइप में आएगा यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे भी बेंचेस हैं। और इस साइड पे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको बार का एरिया मिल जाता है, या फिर आप कोई पार्टी होस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका फूड वगैरह या जो भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर्स। और अगर कोई भी क्वेरी होती है आपकी तो मैंने नीचे नंबर मेंशन कर दिया है।